Good morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your SST teacher, Shweta Tiwari. So, student, take care. Take your SST book and open page number 23 to solve question and answer of chapter 3. Okay. Chapter name is almanac Okay. पंचांग आपका चैप्टर है आलमनेक ओके सो स्टूडेंट्स नोट डाउन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज अ कैलेंडर यूज्ड फॉर ओके यानी कि कैलेंडर को कैलेंडर क्या है और हम उसको यूज क्यों करते हैं सो यू विल राइट आंसर आंसर इज अ कैलेंडर इज अ प्रिंटेड टेबल शोइंग ऑल द डेज वीक्स एंड मंथ्स ऑफ द ईयर ओके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था व्हाट इज अ कैलेंडर यूज्ड फॉर कैलेंडर क्या है और उसको किस लिए यूज किया जाता है तो कैलेंडर एक क्या है कैलेंडर इज अ प्रिंटेड टेबल शोइंग ऑल द डेज सारे दिनों को शो करता है वीक्स को करता है एंड मंथ्स को करता है ऑफ द ईयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन

अर्थ ओके ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो अर्थ रिवोल्यूशन की वेस्ट पर है और ये सन का सर्कल कंप्लीट करना यानी कि अर्थ से रिलेटेड है ओके okay? इसलिए इसको ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है वाइल्ड हिंदू कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मून्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ और जो हिंदू कैलेंडर है वो बेस्ड है मून्स मूवमेंट चंद्रमा के चक्कर लगाने से है जो कि अर्थ का जो है राउंड कंप्लीट करता है तो यहाँ हमारे यहाँ पर जो आ, टाइमिंग है वो मून्स के अकॉर्डिंग होती है ठीक है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इंटरनेशनल कैलेंडर भी उसको हर देश में एक्सेप्ट किया गया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री वाई वॉज द सक कैलेंडर सक, सका कैलेंडर यानी कि okay? शक ओके शक कैलेंडर एडोप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया उसको नेशनल कैलेंडर के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया गया था शक जो कैलेंडर है उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया था डाउन आंसर नंबर थर्ड दैलेंडर इतम कैलेंडर फॉर्म्स द बेसिस इन डिटरमाइनिंग हिंदू फेस्टिवल्स क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है हिंदू फेस्टिवल्स जो है डिटरमाइन होते हैं उसी बेसिस पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर वॉट इज अ टाइम लाइन टाइम लाइन क्या है ओके यू विल राइट क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज अ टाइम लाइन सो आंसर इज अ टाइम लाइन इज द रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन अ सिक्वेंस अरेन्ज्ड ऑन अ लाइन टाइम लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स का रिकॉर्ड है जो कि एक लाइन में सिक्वेंस से अरेंज किया जाता है ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डू बी सी एंड ए डी स्टैंड फॉर यानि कि इनकी फुल फॉर्म लिखनी है ओके बी सी एंड ए डी ओके वॉट डू बी सी एंड ए डी स्टैंड फॉर मतलब इसके लिए है तो आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो बी सी स्टैंड फॉर बीफोर क्राइस्ट ओके एंड ए डी स्टैंड फॉर एंड नो डोम okay, bc stands for before christ and ad stands for anno domini. okay, so students, it's enough for today class. have a nice day and take care of yourself next day. i will teach you next chapter. it means we will start next chapter, chapter 4. गुड डिसीजन आ गुड सिटीजन ओके नॉट डिसीजन ओके आ गुड सिटीजन सो स्टूडेंट्स यू रीड आउट चैप्टर फोर ओके नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन एंड यू रीड ऑल्सो इट्स इन अर टूडे क्लास हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड बच्चों अपना अपना ध्यान रखिए बाय बाय